गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई साहब, काफ़ी दिनों से कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो कुछ पता नहीं है कि उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसे चर्चा आ रहा है कि उन पे जो आउटसोर्स वाले हैं उन्होंने भी कुछ उस पर केस लगाया है। एक तो आंसर की पे बोल रहे हैं कि आंसर की पे भी केस लगाया है। अभी उनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ऐसी कि उन्होंने कोई केस लगाया है या नहीं लगाया। तो पीछे काफ़ी टाइम पहले तीन बंदों की ज्वाइनिंग हुई है जो स्पोर्ट्स कोटे से थे, उनकी तीन बंदों की ड्राइवर की ज्वाइनिंग हुई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। उनको जो उनका स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू उनको तीन पोस्टें दी, उनकी जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है पूरी। अभी तो कोई ऐसा पता नहीं है। तो आई होप आपको पता ही होगा कि अभी हाई कोर्ट के फॉर्म फिल हुए थे कुछ टाइम पहले, तो बहुत जल्दी उनका भी प्रोसीजर होने वाला है क्योंकि उसका जो और एग्ज़ाम थे वो होने वाले हैं, उनकी डेट पड़ गई है। तो आपका भी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। और बाई एस परमार यूनिवर्सिटी का भी आपको पता है कि उन्होंने डेट पहले डाली थी, थोड़ी सी पोस्टपोन की होगी, डेट तो मैं बता दूंगा, शायद मेरे को लग रहा था कि पोस्टपोन की है। तो आज मैं आपको थोड़ा ब्लॉग के थ्रू बता दूं कि एक सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी कब से कब होती है। तो हम तो इलेक्शन ड्यूटी में थे पहले, सब कम से कम एक महीना इलेक्शन ड्यूटी में थे। तो आपको बता दूं कि इलेक्शन ड्यूटी में तो ड्यूटी होती है। अब क्या बोल सकते हैं इसमें कि ड्यूटी में आपको क्या नहीं करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आज जा रहे हैं हम अपने ऑफिस में, वापस आ चुके हैं। तो आज जा रहे हैं हम अपने सर के साथ कहीं टूर पे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि बेले बैठ के भी क्या करना, थोड़ा यूट्यूब चैनल का भी चलता रहे साथ साथ में। तो अब थोड़ा एक दो ब्लॉग डाल दिया करेंगे साथ में मंथ में, साथ में आपको कोई ना कोई अपडेट देते रहा करेंगे। तो डीसी ऑफिस मंडी का भी प्रोसीजर इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा, डीसी शिमला का भी, और एक निकली थी जो निकली कोऑपरेटिव वाला जो था उसका भी प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा क्योंकि तैयारी छोड़ने से बहुत पीछे चला जाता है। आपने तैयारी नहीं छोड़नी, तैयारी पूरी करनी है आपने दबा के, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सब लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगली कोई नई रिक्रूटमेंट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं है क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है, तो अभी रिक्रूटमेंट तो नई सरकार बनेगी जो उसके बाद ही आएगी। तो देखते हैं कि कौन कहाँ कहाँ निकलती है ड्राइवर की रिक्रूटमेंट। तो मैक्सिमम सब की होगी, डीसी सिरमौर की होगी है, डीसी मंडी की भी रिक्रूटमेंट चल रही है, मतलब होने वाली है, डीसी शिमला की भी होगी, डीसी चंबा की भी होगी, तो डीसी सोलन की भी होगी। तो अभी पड़ी है डीसी ऊना की पड़ी है, क्योंकि एक लड़का बोल रहा है कि डीसी ऊना की भी उसमें ड्राइवर खाली है, एक एसडीएम का ड्राइवर खाली है। तो डीसी ऊना, डीसी हमीरपुर और डीसी कांगड़ा की भी हो चुकी है, तो दो तीन डिस्ट्रिक्ट रह गए। डीसी कुल्लू की भी होगी है, और कौन सा आएगा, डीसी ऊना, डीसी बिलासपुर, तीन डिस्ट्रिक्टों की रह गई है, इनकी भी जल्दी ही आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी देखिए क्योंकि ड्राइवर की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, बार जल्दी जल्दी आती रहती है, एक दो पोस्टें दो तीन पोस्टें ऐसे ही है, क्योंकि ये प्रोसीजर एसएससी के थ्रू तो होता नहीं है, एचपीपीएससी के थ्रू, ये तो स्टाफ को ही करवानी पड़ती है। तो आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि तैयारी छोड़ोगे तो बहुत पीछे जाओगे, तैयारी नहीं छोड़नी है। ओके, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो हम पहुँच गए मंडी वाला फोर लेन, जो ये पुराना फोर लेन है, यहाँ पर आपको पता है कि साइड में फोर एयरपोर्ट का बनने का प्रोसीजर है, तो अभी देखते हैं कब बनता है एयरपोर्ट। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।